महोदय कि आपने मुझे एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019 पर बोलने का मौका दिया। सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। 2012 में ये बिल, सर डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर मौजूद। सर नहीं नहीं नहीं, सारे सब नहीं। हु इज टेकिंग द नोट? एवरी ऑल मिनिस्टर्स वर टॉकिंग टू ईच अदर टू देयर कोलीग्स। नो, ही शुड स्पीक एंड कम। चलिए, खैर, यही सीरियसनेस है सरकार की। सभापति महोदय, यस यस, साइन ऑन। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। यही सीरियसनेस है सरकार की। बहरहाल, देर आए दुरुस्त आए। 2012 में इस बिल को इंट्रोड्यूस हुआ था, 14 से 19 का टाइम निकल गया। अब इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, इसकी सीरियसनेस को इस तरीके से खत्म ना किया जाए। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मतलब ट्रेजरी बेंचेस का ये हाल है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और जो है शोर मचा रहे हैं। मुझे तो अपनी बात करने दीजिए, मुझे तो अपनी बात करने दीजिए। I already agree। हाँ, प्लीज एड्रेस द चेयर। प्लीज सभापति महोदय, मैं तो आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ। प्लीज, अब ये जो है बार बार डिस्टर्ब करें, मैं तो ये कह रहा हूँ ये इतना अच्छा लेजिस्लेशन है, बहुत जरूरी लेजिस्लेशन है। मैं सरकार को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था। और मैं इस बात को मानता हूं कि पहले जमाने में धरती पर जंग हुआ करती थी, फिर हवा से हुई, अब असली खतरा पानी के अंदर है। और पानी के अंदर जो है, आने वाला वक्त अगर कोई युद्ध होगा तो वो पानी पे ही होगा। और पानी के अंदर अगर सिक्योरिटी के लिए हमारी सरकार जो है सीरियस नहीं होगी तो ये बहुत उसकी बात है। इसलिए मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं कि सरकार इस बिल को लाई है, अच्छा बिल है। मैं सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये 1982 में यूएन में ये हमारा जो कमिटमेंट था और फिर रेटिफाई किया 1995 में, उसके तहत ये बिल लाया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1982 एंड रेटिफाइड इन 1995। लेकिन जो मेरे से पहले सभापति महोदय कुछ कुलीग्स ने यहाँ प्रश्न उठाए हैं, मैं उन पर भी आना चाहूँगा कि ये अभी तक जो हमारा सी के अंदर, समुद्र के अंदर इकोनॉमिक जोन होता था, उस पर हमारा अख्तियार था। लेकिन समुद्री डकैत जो होते हैं, जिनको हम पायरेट्स कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि सैकड़ों बेगुनाहों को, भारतीय बेगुनाहों को उन्होंने किडनैप किया, कई की हत्याएं भी हुई। लेकिन क्योंकि कानून ना होने की वजह से वो सब, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। कानून लाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कानून बिल जो है वो ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से और इस सदन में कई सांसद जो हैं ने ये बात रखी कि डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा डेथ पेनल्टी शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। लेकिन यहां हम अगर अटेम्प्ट टू मर्डर को के अटेम्प्ट को भी डेथ पेनल्टी उसका जो है क्राइम तय कर रहे हैं, तो वो वाकई चिंतनीय है। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि जो लॉ बने उसको, क्योंकि इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी स्क्रूटनी होगी, तो हम ये चाहेंगे कि डेथ पेनल्टी ना रह करके जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए पूरी लाइफ के लिए।
और इसमें ये क्लॉज भी हो जाए कि सरकार को कोई रिमिशन देने का अख्तियारात ना रहे, जैसे इटली के दो नागरिकों को जो पकड़े गए फिशरमैन्स की डेथ में उनको छोड़ दिया गया, और यह जैसे गुजरात के अंदर अभी बिल्किस बानो के केस में सरकार ने लाइफ इंप्रिजनमेंट को 14 साल की सजा को रिमिशन किया, इस बिल के अंदर ऐसा क्लॉज डाला जाए कि जो जिनको जिनको गुनाह सजा दी जाए वो लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाए, डेथ पेनल्टी ना हो, लेकिन सरकार के पास रिमिशन का कोई अख्तियारात नहीं रहना चाहिए। मिनी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती सुप्रिया सुले, व्हाट इज इट? किस बानो का मामला है सर, वो सब ज्यूडिस है, जो इन्होंने बात किया उसको एक्सपंज कर दीजिए सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है। आई लुक इन चेयर विल लुक इन सुप्रिया सोले, यू मेड योर सबमिशन, चेयर विल लुक इन टू, डोंट वरी सुप्रिया सोले, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट सुप्रिया सोले, प्लीज।